देश का संविधान क्या खतरे में है? जी मैम, खतरे में है। कैसे खतरे में? युवाओं का भविष्य जो मैम अंधेरे में है। देश में कानून को खत्म किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कभी कानून को माना ही नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वकीलों के प्रति जो मुख्य समस्या है, यहाँ पर तो एक हॉस्पिटल की परम अवसर। मोदी की गारंटी पे सबको विश्वास है। गांवों का भला करने वाली इतनी अच्छी सरकार, ये पहली बार। तो ये भारत की जनता जो है, देखिए हमेशा से राममय रही है और राममय रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रयागराज और इसे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है और वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। मेरे पीछे आप तस्वीर भी देख रहे होंगे, इस वक्त लंच का टाइम है और यहाँ पर भारी संख्या में किस तरह से आपको काले कोट वाले साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि अब देश में बदलाव की बयार बह रही है। तमाम दावे, तमाम मुद्दे, तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं। ऐसे में वकीलों की गिनती प्रबुद्ध वर्गों में होती है। आप देखते भी होंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हो, वो प्रबुद्ध सम्मेलन करते हैं और क्योंकि इनके द्वारा ही जनता को चा दिखाने की इनके कंधों पर भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं और बातचीत करते हैं कि देश में आखिरकार किस तरह का समय चल रहा है, किस तरह के विकास के कार्य चल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। बताइए वकील साहब, आप यहाँ पर कब से हैं? मैं यहाँ 2014 से वकालत में हूँ और प्रयागराज में रहते हुए मुझे लगभग 16 साल हो गए हैं। जी 16 साल हो गए हैं जी। तो देश में आप क्या देख रहे हैं, क्या तस्वीर देख रहे हैं देश की? देश की तस्वीर हम ये देख रहे हैं कि 2014 से पहले जो देश का विकास था और 2014 के बाद का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की गवर्नमेंट का जो 10 साल है, जो दो पंचवर्षीय जो गुजरी हैं, उसमें उस पहले का विकास का 70 साल और आज का जो प्रधानमंत्री जी का जो 10 साल का जो कार्यकाल है, वो विकास लगभग देखा जाए तो दोनों काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ इन 10 सालों में। और हम कह सकते हैं कि देश नित नई तरक्की के ऊपर से जा रहा है। और देखेंगे आप, चाहे रोड में, चाहे आप देखिए, चाहे देश में हाईवे का नेटवर्क हो, या देश में रेलवे के लिए जो विकास कार्य हुए हैं, या देश में जो भी आप कहिए, या देश की इकोनॉमी के बारे में कहिए, या देश की अपनी विदेश पॉलिसी की बात करिए, देश हमारा बहुत ही इंडिया का आज जो विदेश में जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी ऊपर जा चुकी है। आज देखिए, आप किसी भी मुद्दे में चाहे आपने देखा होगा कि कुवैत में जिन नागरिकों को अभी जो फांसी की सज़ा हुई, उनको ये भारतीय इंडियन गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी कह सकते हैं कि उनको जो फांसी की सज़ा थी वो बर्खास्त हुई और वो बाइज्जत अपने देश वापसी कर सके। यानी कि आप कह रहे हैं कि हमारी जो विदेश नीति है वो भी मजबूत हुई है और हम तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक चर्चा यहाँ की भी कर ले, यहाँ हम देख रहे हैं तस्वीर, देखिए जरा किस तरह से बड़ी हौचपौच सी तस्वीर है। निकलने में, आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, क्या ये समस्या ऐसी बनी रहती है? ये समस्या तो पिछले 4-5 साल से है। यहाँ पर चैम्बर्स हमारे सब बन रहे हैं, जैसे ही सब चैम्बर्स कंप्लीट हो जाएंगे और ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, इस पर भी ध्यान हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने दिया जो कि चैम्बर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से आप तस्वीर भी देख रहे हैं, वकील निकलते हैं, लोग अपना केस भी लेकर आते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अब ये होता है कि संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अब वो संवैधानिक संस्थाओं की जो विश्वसनीयता है वो खतरे में पड़ती जा रही है, ये कहा जाता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ कहा जाता है, संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता कभी भी खतरे में नहीं है। ये व्यक्ति का अपना अपना ख्याल होता है कि हम अपनी विश्वसनीयता उसमें रखते हैं या नहीं रखते हैं, उसका इंडिपेंडेंट सोच है। और जहाँ तक रही ऐसे खत्म होने के आप समग्र रूप से बात कर रही है, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर। बिल्कुल हम नहीं, ये विपक्षी पार्टियां बोलती हैं। विपक्षी पार्टियां भाई, उनका भी हम स्वागत करते हैं क्योंकि वो हमारी आलोचना नहीं करेंगे। अगर सरकार की आलोचना नहीं करेंगे तो सरकार आगे और कैसे जाएगी? आप भी बताइए, क्योंकि कहा जाता है ये भी कि देश में कानून को खत्म किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कभी कानून को माना ही नहीं। कांग्रेस वो पार्टी है जो तानाशाही, जिसके ब्लड में तानाशाही है, वो पार्टी आज एलिगेशन लगा रही है मोदी जी पे। मोदी जी ने 2014 में जितने भी वादे किए थे, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जानना चाहते हैं, किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं? मुद्दे तो अनेक हैं, आप बताइए। यहाँ हम 2017 से कंटिन्यू प्रैक्टिस में हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और आप मुद्दा पूछिए तभी तो बताया जाए। मुद्दा देखिए क्या है,
आप वकील हैं, प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, प्रबुद्ध वर्ग में आपकी गिनती होती है, देश में क्या बदलाव देख रहे हैं, देश में किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं, वकीलों की क्या स्थिति सुधरी है, या फिर वकीलों में आपको लगता है कि समस्याएं थी, वकीलों की समस्याएं नहीं सुनी जाती थी, अब क्योंकि समस्याएं हर वर्ग के पास है, हर वर्ग यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वकीलों के प्रति जो मुख्य समस्या है, यहाँ पर तो एक हॉस्पिटल की परम आवश्यकता है। यहाँ पर आए दिन हार्ट अटैक आता है, जो काफ़ी हमारे अधिवक्ता को देखने को मिलता है कि उनकी डेथ हो जाती है, वो सही समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाते। तो ऐसी विषम परिस्थितियों को मतलब दूर करने के लिए सरकार से आग्रह किया जाता है कि वो एक हॉस्पिटल या कोई बड़ी हॉस्पिटल का कोई एक ब्रांच हाई कोर्ट के नज़दीक या हाई कोर्ट के कॉरिडोर के अंतर्गत वो यहाँ पर बनावे निर्माण करे, जिससे अधिवक्ताओं की समस्या थोड़ा दूर हो सके। और भी हमारे साथ लोग हैं, चलिए यहाँ पर और भी जो वकील है उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रबुद्ध वर्गों की उपस्थिति है, और उनसे भी जान लेते हैं कि देश का क्या मिजाज चल रहा है। आप यहाँ पे कब से हैं वकील साहब? हैं? आप यहाँ पर इलाहाबाद में यहाँ पे वकालत कब से कर रहे हैं? नहीं, कब से रह रहे हैं ये बताएं कि वकालत कब से कर रहे हैं? वकालत कब से कर रहे हैं या फिर यहाँ कब पे रहे? 2008 से। तो क्या बदलाव देखा आपने उत्तर प्रदेश में भी और देश में? अरे देश में क्या, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो छोटी बिल्डिंग दिख रही है आपको? अब बदलाव तो विकास बहुत हुआ है, ये रोड अगल बगल बन रही है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही 700 करोड़ रुपए की, ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आप बताइए। 600 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से स्वीकृत हुए हैं, अधिवक्ताओं का बहुत अच्छा चैम्बर बन रहा है, सारी सुविधाएँ मिल रही हैं अधिवक्ताओं को, अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बन रहा है, पार्किंग बन रही है, यहाँ बार काउंसिल की तरफ से जो फंड है, जो मेडिकल क्लेम है, डेथ क्लेम है, इन सब की स्वीकृति मिल रही है। तो अधिवक्ताओं का भला करने वाली इतनी अच्छी सरकार ये पहली बार। क्या अधिवक्ताओं की जो समस्याएं थी, क्या बीती सरकारों ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और अगर फंड के मामले में ही बात करें तो जो मेडिकल क्लेम और डेथ क्लेम इस सरकार ने, चाहे राज्य सरकार हो पिछले 7 सालों से या फिर केंद्र की मोदी सरकार हो पिछले 10 साल में, जितना फंड इन लोगों ने सिर्फ इन्हें पिछले 10 साल में दिया है, पिछले बाकी का पूरा टेन्योर अगर जोड़ दिया जाए तो उससे ज़्यादा फंड मिला है। उससे ज़्यादा फंड मिला है, यानी कि वकीलों की समस्याओं का निस्तारण अगर हुआ है तो वो इन्हीं के गवर्नमेंट में हुआ है। आपसे समझना चाहेंगे कि देश में क्या बदलती हुई तस्वीर आपने देखी है, और क्या आपको लगता है कि अभी बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो धुंधली हैं और जो बदली नहीं है? देखिए, विकास एक ऐसी चीज़ है जो क्रमिक होता है, ठीक है, निरंतर प्रक्रिया है, और लेकिन विगत 10 सालों में आप देखेंगी तो विकास काफ़ी हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने विकास पे काफ़ी कार्य किया है, अभी काफ़ी कार्य किया है। आपको क्या लगता है कि अभी क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस पर या तो वो सरकार की प्राथमिकताओं में वो शामिल नहीं है, या फिर उस पर काम किया जाना अभी बहुत ज़रूरी है? हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई बल ही नहीं दिया गया विगत 70 सालों में। विगत 10 सालों में आप देखेंगी तो चाहे सड़क के हो, चाहे बिजली हो, और चाहे पानी हो, जैसे जलकल योजना हो गई, आपका हाईवेज हो गए, ठीक है, वो सारे कार्य 70 साल में उससे ज़्यादा हो गए, तो वो विकास दिख रहा है। विकास दिख रहा है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती बहुत ज़रूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तो सारी चीज़ें मजबूत होती हैं। आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे ये लोग ये बोलते हैं कि सड़कें बनने से रोज़गार थोड़ी मिलेगा, हाईवे बनने से रोज़गार थोड़ी मिलेगा। देखिए, सड़क और रोज़गार, सड़क बनने से, हाईवे बनने से रोज़गार क्यों नहीं मिलेगा? उसमें भी तो मजदूर भाई सब काम कर रहे हैं, उसमें एक लोग नहीं, स्टील कंपनी का स्टील जाएगा, सीमेंट कंपनी सीमेंट जाएगी, सीमेंट में मजदूर काम करेंगे, स्टील कंपनी में मजदूर काम करेंगे, और आपके जो भी उसमें काम करेंगे हर जगह मजदूर जाएंगे, हर जगह, तो रोजगार तो रोजगार ही, अगर वर्क होगा तो रोजगार मिलेगा, इसमें ऐसा कोई नहीं है। क्या लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस सरकार को थोड़ा सा स्वास्थ्य विभाग में और ध्यान देना है, बाकी तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप बताइए कि क्या तस्वीर देख रहे हैं देश की? देश की तस्वीर बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं, जो उन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, जैसे समस्याएं हैं बेरोजगारी की। यहाँ पर बहुत होता था कि वकील हड़ताल पे आए दिन बैठते थे, आए दिन हड़ताल बहुत पहले, हाँ आगे, अब जो होता था कि किसी मुद्दे को लेकर कभी ये था कि वकीलों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो समस्याएं समाप्त? हाई कोर्ट में 160 जजों की संख्या है,
और इस समय जजेस जो है कम हो गए हैं 80 के स्ट्रेंथ में। लखनऊ बेंच और इलाहाबाद हाई कोर्ट काम कर रही है और इससे मुकदमे की पेंडेंसी जबरदस्त बनी हुई है। न मुकदमों में डिस्पोजल होता है, न कोई हम लोग को आदेश मिल पाता है। एक मुकदमा दाखिल करिए उसमें हम लोग को 2 महीने बाद आदेश मिलता है और उसकी वजह से समस्याओं का हम लोग को सामना करना पड़ता है। और जो पिटिशनर आते हैं उनके सामने समस्या ये है कि इस समय से आदेश नहीं मिलते तो उनके तमाम दिक्कतों उनके पास होने लगती है। ये सब समस्याएं बरकरार हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो मुकदमों की संख्या कि अदालतों में मुकदमे जो हैं वो लंबित रहते हैं, निस्तारण नहीं होते हैं। आपको कभी बार ये होता है कि व्यक्ति लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते 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 उसकी तो मुकदमों का निस्तारण हो कैसे, व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही उस हिसाब से। अब अभी देखिए जैसे ई फाइलिंग का कर दिया है, ठीक है, ई फाइलिंग के लिए कोर्ट ने कर तो दिया है लेकिन उस हिसाब की कोई व्यवस्था है नहीं, लोग एजुकेटेड हैं नहीं उस हिसाब से। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ई फाइलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मुकदमों का निस्तारण होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे वैसी व्यवस्थाएं ही नहीं है। क्या व्यवस्था नहीं है? डिजिटलाइजेशन नहीं है कोर्टों में। जब मोदी जी तो उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं मोदी जी ध्यान दे रहे हैं लेकिन कोर्ट के अंदर की व्यवस्थाएं थोड़ी मोदी जी देख रहे हैं। मोदी जी तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं पे ध्यान दे रहे हैं। डिजिटलाइजेशन को लेकर जो मोदी जी ध्यान दे रहे हैं वो आपका बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसमें कर रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट की स्थिति बेहतर है बाकी कोर्टों से लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आज भी वही स्थिति बनी हुई है। आप जाइए, आपको किसी भी काम के लिए समय लगना ही लगना है, इसलिए बर्डन से बढ़ रही है। कोर्टों में जजों की नियुक्ति नहीं हो रही है, इस वजह से मुकदमों में नहीं आ रहा है, बर्डन से बढ़ती चली आ रही है। मुकदमे रोज फाइल हो रहे हैं और जज है नहीं। जज नहीं तो जजों की नियुक्ति में क्या दिक्कत आती है? जजों की नियुक्ति अब गवर्नमेंट कर ही नहीं रही है, उनके हिसाब से क्वालिफिकेशन नहीं मिल रही जबकि वो देखना ही नहीं चाह रही है। अगर धरातल पे देखे, गवर्नमेंट देखे, चीज करे, अपॉइंट करे तब ना नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कहाँ से अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा तमाम जो वकील वर्ग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि विकास भी हुआ है और अन्य चीज़ें भी हुई हैं और अभी भी कोर्ट में कुछ समस्या ऐसी है, वकीलों से संबंधित चीज़ें जो हैं वो अभी भी ऐसे ही हैं, लंबित पड़ी हुई हैं। आइए यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए वकील साहब कि देश में किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें बदली हैं या तस्वीरें पहले से बेहतर हुई हैं, पहले से खराब हुई हैं, क्या हुआ? पहले से बेहतर हुई है। जी हाँ। तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान जो मौजूदा सरकार है किस तरह का काम किया है, चाहे वो वकील वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो वृद्धा वर्ग हो, हर वर्ग, क्या आपको लगता है कि हर वर्ग को उसका लाभ मिल रहा है? जी मिल रहा है। खास तौर से बात कर ले वकीलों की, तो क्या आपको लगता है कि वकीलों की क्या सभी समस्याएं, क्योंकि हर वर्ग की अपनी समस्याएं होती हैं, वकीलों की भी अपनी समस्याएं होंगी। समस्याओं के रिमूवल जो होते हैं वो ग्रेजुअली होते हैं, ऑल ऑफ सडन कोई यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि चिराग का जिन हमने रगड़ा और वो समस्या खत्म कर देगा। सरकार समस्याओं पर ध्यान दे रही है और समस्याएं खत्म भी कर रही है। ठीक है, आप बताइए क्या संविधान को लेकर एक मिथ कहिए, भ्रम कहिए या फिर तमाम चीजें, आप भी हैं, आप भी वकील हैं, तो ठीक है आप ही बता दीजिए कि एक मिथ कहा जाता है कि संविधान जो है कि खतरे में है, क्या आपको लगता है क्योंकि आप तो खुद एक वकील हैं, संविधान के अच्छे जानकार हैं? नहीं, संविधान खतरे में नहीं है, सभी कार्य संवैधानिक रूप से ही हो रहे हैं, लोग अपनी अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं अपने हिसाब से। सभी लोग जो वो एक किसी दार्शनिक ने ये कहा है कि टेंडेंसी इज वेरी पर्सन टू पर्सन, हर आदमी के विचार अलग होते हैं और विचारों के अनुसार लोग उसको परिभाषित करते हैं। ठीक, आइए ये भी यहाँ पर भी एक वकील साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आप बताइए वकील साहब कि कहा जाता है कि संविधान खतरे में है, कोई भी सरकार जो मौजूदा सरकार को अगर पूर्ण बहुत मिलता है, 400 का आंकड़ा इसीलिए मांग रहे हैं कि उनको संविधान को बदलना है, आप क्योंकि कानून की जानकार हैं, जी जी जी, अच्छे ज्ञाता हैं। पहली बात देखिए, समझ लीजिए, संविधान को बदला नहीं जा सकता, फंडामेंटल राइट जो हमारा जो मूलाधिकार है, मूलाधिकार अगर संविधान को बदलने का मतलब मूलाधिकार को आप बदल दिए, अगर आप फंडामेंटल राइट्स को बदल दिया तो पूरे संविधान की सब खत्म हो गया। इसलिए संविधान को बदलने की जो ये प्रोपोगंडा चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये किसी भी स्तर पर सही नहीं है। क्या अगर मान लीजिए एक सपोज के लिए
कि 400 किसी को मिल जाती सीटें। एक समय था कि कांग्रेस को भी 80 के बाद में 415 सीटें मिली थी। हाँ, 415 सीटें मिली थी। तो क्या आपको लगता है कि उसमें कैसा कुछ हुआ था? अगर मिलता है तो भारतीय संविधान में इस तरह का प्रावधान है कि ताराशाही नहीं चल सकती। शक्ति का जो विकेंद्रीकरण सिद्धांत, आप जानती होंगी, शक्ति का जो विकेंद्रीकरण सिद्धांत है उसके तहत जो है कोई भी तानाशाह नहीं हो सकता, यहाँ तक राष्ट्रपति भी नहीं हो सकता, ना प्रधानमंत्री। शक्ति को किसी एक व्यक्ति के अंदर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी विशेषता है भारतीय संविधान की। ये तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए है, इसमें कहीं किसी तरह की सच्चाई नहीं। हमारे जो संविधान निर्माता ने इस चीज़ को पहले से ही भाप लिया था, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को कहा कि जो है आप संविधान को परिवर्तन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन पूरे संविधान को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो क्या फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे, तो क्या फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन है? क्योंकि देखिए जितना मुझे एक संविधान, मुझे जितना मैंने संविधान पढ़ा है उसमें उसके मुताबिक ये कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स है उसमें संशोधन सकारात्मक होगा, नकारात्मक संशोधन उसमें होगा नहीं। बिल्कुल सही बात आपकी है, सकारात्मक संशोधन होगा, उसमें नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकता। और अगर होता भी है तो आपके पास, जैसे मान लीजिए एक रूलिंग पार्टी है, उसने कोई संशोधन किया और अगर किसी अगर दूसरी पार्टी को लगता है कि वो गलत है तो संशोधन को फिर से संशोधित कर सकती। तो हमारे पास तो राइट है, गलत को सही, सही को गलत। आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी कि देश का संविधान क्या खतरे में है? जी मैम, खतरे में है। कैसे खतरे में? युवाओं का भविष्य जो मैम अंधेरे में है, युवा लोग परेशान है, उनका दिशा जो नहीं समझ, अपने भविष्य को लेकर परेशान है। आप कब से वकालत कर रहे हैं? मैम 2 ईयर्स। 2 साल से वकालत कर रहे हैं जी। वकालत में कैसा लग रहा है? मैम ऑब्वियसली अच्छा है, अपना सेल्फ डिपेंडेंट है अपनी। वकालत करने के लिए खुद से ही सोचा? कभी कभी क्या होता है ना कि घर वाले भी फोर्स करते हैं वकील बनो। नहीं मैम, वकालत पैसा ऐसा है, स्वतंत्र डिसीजन होता है, व्यक्ति स्वतंत्रता से निर्णय लेता है, स्वतंत्र से कंसल्ट पैसा है। वकालत सिर्फ पैसे के लिए? जी, बौद्धिक जनों का पैसा है। समाज में एक जिम्मेदारी होती है एक अधिवक्ता की, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए जो 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 एक हम नैतिक मूल्य स्थापित करते हैं, यही हमारी वकालत है। आप बताइए जी, बताइए, आप कह रहे थे कि संविधान खतरे में है? जी मैम, संविधान खतरे में, लोगों की कोई करियर की कोई जोन नहीं है, हर व्यक्ति चिंतित है। आप भी सेल्फ चिंतित होंगी कि हमारा करियर कहाँ जाएगा, फिर भी आप इंडिया टाइम्स वन में मान लीजिए कार्यरत हैं, जो भी हो, मान लीजिए जो एंकर हो, आप भी बहुत से एंकरों को सुना होगा, मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना डिसीजन है, सोच है, विचार है, लेकिन फिर भी उसमें भी भविष्य आपका करियर कोई डेडिकेटेड नहीं है कि आप कितने दिन तक, कितने समय तक वहाँ पर बनी रहेंगी। आप खुद ये बात नहीं सोच सकती हम किस पायदान पे हैं, कब तक, कहाँ, कब तक कार्य करेंगे एक व्यक्ति। तो फिर क्या लग रहा है आपको कि देश में क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? क्या, कैसी तस्वीर है देश की? मैम देखिए, देश की तस्वीर जो है युवाओं के हाथ में होता है, अगर युवा समझदार शिक्षित तो होगा, क्योंकि देखिए हर संस्था ऑर्गेनाइजेशन का फैक्टर युवाओं के हाथ में होता है। अगर हमारे युवा जितने सक्रिय होंगे, जितने समझदार होंगे, उतना आगे हमारा देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे कोई कॉलेज हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उतना तरक्की पे जाता है। तरक्की तो क्या देश अभी? मेरे हिसाब से रूलिंग गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया है, देखिए कोई भी पार्टी होती है बहुमत में आती है, वो अपने हिसाब से अच्छा करने की कोशिश करती है, लेकिन समाज और परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो कि उसको कहीं पे तो अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती, कहीं ऐसा होता है कि उसकी मजबूरियाँ उसे पूरा, अपने जो टारगेट उसका होता है उसको पूरा नहीं कर पाती। तो ये 19-20 चलता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी रूलिंग गवर्नमेंट निश्चित दोबारा रिपीट करेगी। यानी कि आपको भी लगता है कि जो है कि जो है कि सरकार सही काम कर रही है और सरकार के इस काम से लोग जो हैं, खासतौर से वकील वर्ग जो है, वो काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि सहमत नज़र आ रहा है। और वो कहते हैं कि किसी भी जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसे एकाएक ठीक नहीं किया जाता, उसमें समय ज़रूर लगता है, और जब आप बड़े पैमाने पर किसी चीज़ को सुधार रहे होते हैं तो वो पैमाना भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। चलिए, एक और भी हमारे साथ हैं, वकील साहब भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। वकील साहब, आप यहाँ पर कब से वकालत कर रहे हैं? मैं 2005 से वकालत कर रहा हूँ। वकालत कर रहे हैं, क्या बदलती हुई किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? बहुत चीज़ें बदल रही हैं यहाँ भी, क्योंकि
किस परिप्रेक्ष्य में बदलना आप पूछना चाहती हैं तो बताएं। देश की तस्वीरें, राजनीति का माहौल चल रहा है। हाँ। हम लोग जो है काली कोट वाले हैं। हाँ। तो कचहरी की बदलती तस्वीर सोचते हैं। हाँ। नहीं तो आप लोग ही तो आगे इतने निर्णायक भूमिका में आते हैं, चाहे बड़े बड़े फैसले जब आते हैं कोर्ट में, राम मंदिर का फैसला हो, मथुरा का फैसला हो, अयोध्या का फैसला हो, उसी से तो देश की तस्वीर बदलती है ना। देश की तस्वीर जो है, जो आपका राजनीतिक प्रश्न है कि राम मंदिर का मुद्दा आ गया, अयोध्या काशी आ गया, देश की तस्वीर बदल रही है, तो ये भारत की जनता जो है देखिए हमेशा से राममय रही है और राममय रहेगी। राजनीति पे असर क्षणिक हो सकता है लेकिन अस्थाई असर नहीं आएगा इसका, यानी कि ये स्थाई रहने वाला नहीं है, यह अस्थाई तौर पर है। देश की दिशा दशा, राम मंदिर तो फिर चलिए आस्था का विषय है, इसके अलावा जो हमारे रोजगार हैं, हमारे जो बेहतर जीवन शैली जो है लोगों को उपलब्ध कराई जाए, मकान दिए जाए लोगों को हमारे यहाँ, आप यहाँ आई हैं, हमसे जो बनता है हम विधि न्याय परामर्श देते हैं कि ताकि आसानी से लोगों को सस्ता न्याय उपलब्ध हो सके, ये सब चीज़ों से विकास हो। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या न्याय प्रणाली, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जो हमारी न्याय प्रणाली है क्या वो दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है, जिससे कि क्या है कि जो आम जनता को हमारी जो न्याय प्रणाली है वो ही समझ में नहीं आ पाती है, क्या वो जटिलता की ओर बढ़ रही है या फिर उससे सरलता की ओर बढ़ रही है, क्योंकि CRPC, IPC और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको भी नाम अभी बदला गया है उसका भी। देखिए किसी एक्ट का नाम बदलने से, जैसे आपका नाम या मेरा नाम बदलने से हमारे नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल सकते, वैसे एक्ट का नाम बदल देने से उसकी प्रकृति नहीं बदल सकती, ना वो सरल हो सकता है ना जटिल, जैसा था वैसा ही है। और यहाँ की कानून व्यवस्था को जो लोग जटिल कहते हैं वो वास्तव में समझ नहीं पाते कानून है क्या। कानून आपका इनर सेंस है, आपको जो अच्छा लग रहा है। अभी आपने राम मंदिर और कृष्ण की बात की तो क्या कानून उससे अलग है? हमें तो नहीं लगता उससे अलग है। जो आचरण व्यवहार अस्थायी हो गए वही तो लिपिबद्ध है, वही लेखबद्ध है, तो इसमें सरल कहाँ से सरलता और कठिनता की बात आ गई? क्योंकि देश के जो लोग हैं, मतलब हमारे देश की कानून व्यवस्था, कोई भी एक अशिक्षित व्यक्ति आता है, आप भी जैसे बता रहे आए अशिक्षित व्यक्ति आए, इसका कारण हो सकता है कानून की जटिलता या सरलता उसकी शिक्षा मतलब उसके ज्ञान पे निर्भर कर सकता है, ये तो है। यानी कि आपको अगर न्याय प्रणाली को, अगर नागरिकों को यहाँ पे शिक्षित बनाया जाए तो नो डाउट कोई इसमें संदेह नहीं कि वो इस व्यवस्था को, कानून की, इस देश को समझ सकते हैं। आज आपने एक प्रश्न किया कि न्याय प्रणाली जटिल हो रही, न्याय प्रक्रिया सरल हो रही, जटिल कहाँ हो रही? आजकल 304 भी 302 आम आदमी बता देगा कि फला मर्डर केस है, फला ऐसा केस है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो क्या कौन वो समय जटिल था कि सारी जानकारी, मेरे ख्याल से न्याय व्यवस्था की लगभग 50% जानकारी आम जनमानस को है, 70% बहुत जो अशिक्षित है उसकी बात हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अशिक्षा नहीं रह गई, लगभग शिक्षित है हमारे। आप बताइए जो देश की हमारी न्याय प्रणाली है वो पहले जटिल थी या फिर अब जटिल हो रही है या फिर जटिलता से सरलता की ओर बढ़ा रही? हमारी न्याय प्रणाली न पहले जटिल थी न अब जटिल है, जटिल बनाया जाता है। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलना चाहिए, अधिकारी होने चाहिए, वो अधिकारियों की बहुत बड़ी कमी है। आप देखिए जो लिटिगेशन बढ़ता है उसका रीजन ये होता है कि जो सक्षम अधिकारी हैं वो भी अपना प्रॉपर काम नहीं करते हैं, इसी वजह से अननेसेसरी लिटिगेशन बढ़ता है। जुडिशरी में जितने अधिकारी होने चाहिए, जितने जजेस होने चाहिए वहाँ नहीं है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे अदर कोर्ट है, तो इस पोजीशन में आप देखेंगे तो जटिलता नहीं है। जब रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जुडिशरी में अधिकारी कम होते जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब तक अधिकारी पूरी फुलफिल नहीं होंगे तब ऐसी कंडीशन बनी रहेगी। यानी कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पर न्यायालय की सबसे बड़ी समस्या, ये यहाँ की नहीं बल्कि हर न्यायालय की समस्या यही है कि जजों की संख्या पर्याप्त नहीं है, अन्य वकीलों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण जो है कि आम जनता को इसका भुगतान करना पड़ता है। फिलहाल देखना यही होगा कि जो समस्याएं हैं उसके निस्तारण के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं और किस तरह से इसका निस्तारण किया जाता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, कैमरा पर्सन राज के साथ अर्चना गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।